हेलो फ्रेंड, द किल पांडे शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वेंकटेश जी का एक अपकमिंग मूवी नरप्पा का ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हुआ है। ये एक्चुअली अमेजन प्राइम वीडियो में आने वाला है। दोस्तों, आई गेस उनके बर्थडे के अवसर पर ग्लिम्स ऑफ नरप्पा रिलीज हुआ था, हमने उस पर ट्रेलर दिया था, अपना रिएक्शन दिया था उसमें। तो उसमें ज्यादा कुछ मालूम नहीं चला, जस्ट वो एक एंट्री था उनका विथ ट्रम्पेट म्यूजिक था, तो ज्यादा कुछ मालूम नहीं चला क्या कैरेक्टर है। बट ये तो लगा कि वो वेंकटेश जी थोड़ा ओल्ड दिख रहे हैं एंड विलेज का कुछ सीन मुझे लग रहा था, बहुत एंग्री वे में वो आ रहे थे। तो दोस्तों, देखते हैं नरप्पा जो ऑफिशियल ट्रेलर कैसा है, क्या इसमें देख सकते हैं। मुझे इतना मालूम है दोस्तों, ये तमिल के सुपरस्टार धनुष का असुरम मूवी का ये ऑफिशियल रीमेक है तेलुगु में। तो दोस्तों, आइए देरी नहीं करते हैं, देखते हैं हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इसमें वेंकटेश के साथ मैं देख रहा हूँ प्रियमणि भी नजर आ रही है, मुझे पसंद है ना वो, है तो देखते हैं क्या है इसमें। दोस्तों आइए, जो नरप्पा का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है अमेजन प्राइम के द्वारा, वो देखते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं, आइए। పది మంది తక్కువ లేకుండా పోయేది, బండ్లకు తుపాకీ ఎంటేసుకుని తిరిగేది, ఎంట చూస్తా ఊరుకున్నారు. వాడి తల తీసుకొచ్చుంటే ఇంకా సంతోషపడతారు. ఎప్పుడు చూసినా చేతులు కట్టుకుని భయంతో మరుమతులు ఇచ్చిన వాళ్ళు, ఎట్లా భయం పోయింది? మనకు కావాల్సింది ఎవడో వెచ్చిస్తాడు, వాళ్ళేదరించడానికి అది ఒకటే దారి కాదు. మన దగ్గర భూమి ఉంటే తీసేసుకుంటారు, డబ్బు ఉంటే లాగేసుకుంటారు, కానీ చదువును ఒక్కటి మాత్రం మన దగ్గర నుంచి ఎవరు తీసుకోలేరు సిన్నప్ప. अरे मस्त है यार, बहुत ही लाइक हाई इंटेंसिटी हेविली एंगेजिंग सीन सब था, लाइक एक्शन सब भी जो दिख रहा ब्रूटल वाला, जो नेचुरल जैसा बोल सकती है तू, ऐसा कुछ रियल में कोई वो जो पकड़ के वेपन मार रहे हैं, एंड लग रहा बहुत ही कुछ हेवी स्टोरी है दोस्तों, कुछ फार्मर और उसको लेके, फार्मर लैंडलॉर्ड को लेके है, एंड ऐसा लग रहा है कुछ कुछ तो भी किलिंग हुआ है, इन किलिंग्स हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है इन विलेज, क्योंकि वो लोग भाग रहे थे। पहले जो स्टार्टिंग सीन दिखाया जो वेंकटेश जी का कैरेक्टर नरप्पा एंड उसके फैमिली छुप छुप के पार रहे थे, छुप रहे थे एंड उनको कुछ खोज रहे, हाँ वो मजा है। एंड फिर उनका जो यंग का भी जो सीन सब दिखाया बड़ी मस्त है यार, फाइटिंग और कुछ तो है उसमें, प्रियमणि का भी जबरदस्त लग रहा है। ज्यादातर वेंकटेश जी को देखने सोचने से फैमिली मूवी कॉमेडी याद आता है, एंड ये पूरा आज ही देखे दोस्तों, क्या कोइंसिडेंस है, हमको तो ये मालूम था नरप्पा का ट्रेलर आ रहा है, आज ही हमने सुबह उनका मलेश्वरी मूवी से उनका इंट्रो जो सीन है, कॉमेडी सीन सब है, उस पर रिएक्शन दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर जाके हमारे चैनल पर वो देखिएगा मलेश्वरी का, आज से हमने स्टार्ट किया उसका सीन पे रिएक्शन। तो दोस्तों फिर से इस पे बात करेंगे तो मुझे जितना लग रहा है वो असुरम का मैंने जब ट्रेलर देखा था उसी टाइप का मुझे फीलिंग हो रहा है। मान लिया क्या बोल सकते कि तू चेंज जो एसेंस है मूवी का स्टोरी का उसको चेंज करने ट्राई नहीं किया गया है, बहुत ही अच्छा रखा गया। एंड इवन जो लुक है वेंकटेश जी का वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा, करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। मैंने ये यंग वाला, मिडिल एज वाला एंड ओल्ड का
दो चार जबरदस्त सीन्स हमें मुझे लग रहा फाइटिंग में, प्रियमणि देख के को भी देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब सिर्फ नॉर्मल वाइफ का नहीं है रोल, और भी कुछ है उनके कैरेक्टर। सही सही बोल। अच्छा एक सीन तक याद होगा बहुत ही शॉकिंग था, वो एक आदमी को सब वो जो जैवलिन लटका था या पता नहीं उसको मार रहे थे, पूरा मार रहे थे वो लटका था, कैसे मार रहे थे, बाप रे क्या सीन सब होने वाला, क्या है वो मालूम नहीं। मजा आया देख के पूरा, जबरदस्त टू गुड है ना। इसमें नासर जी भी मैं देख रहा हूँ, नाम राव रमेश, तो शायद मुझे लग रहा है वो जो साइड सपोर्टिंग एक्टर, अच्छा एक्टर है शायद, है ना, मुझे लग रहा कि दिखे शायद ना दोस्तों। अच्छा लगा, बहुत ही एंगेजिंग लगा, वेरी हैप्पी सीइंग वेंकटेश जी इन डिफरेंट रोल, बहुत अच्छा लग रहा है ये, लग रहा है अनएक्सपेक्टेड ही था। लास्ट का कुछ सेकंड्स, फ्यू सेकंड्स डायलॉग नहीं नहीं जो मार रहे थे, हाँ जो मिडिल एज वाला एज में वो लग रहा भयानक, वो गुस्से में कुछ आके अटैक कर रहे हैं पूरा, वो सब देख के तो बहुत सारा अच्छा अच्छा सीन देख, कुछ तो है अच्छा दोस्तों। मुझे लग रहा है इसे बहुत सारा हमको अच्छा अच्छा मास सीन एंड मास डायलॉग भी सुनने मिलेगा, और कुछ मुझे लग रहा है कुछ एक क्या बोल सकती है जो डिप्रेस है आदमी लोग एक तरह से उनको अपलिफ्ट कराने वाला है कुछ तो स्टोरी है, जो बरसों से फार्मर्स या जो भी होंगे उनको लैंडलॉर्ड वगैरह सब दबा के रख रहे हैं, सप्रेस्ड है उनको कुछ तो, क्योंकि उधर लास्ट में जब डायलॉग बोलते हैं नरप्पा का जो कैरेक्टर वेंकटेश जी का बच्चे का है ना, वो एजुकेशन को लेकर वो बहुत ही अच्छा डायलॉग है, इन द सेंस लैंड छीन सकते हैं, पैसा छीन सकते हैं, लेकिन एक चीज एजुकेशन नहीं छीन सकते। तो ये बात है दोस्तों, कुछ तो है ये मूवी में बात, जो जुलाई 28 को आएगा जरूर देखेंगे दोस्तों, और ट्राई करेंगे अगर उसके बाद अच्छा है कुछ कुछ सीन से तो उस पर रिएक्शन भी देने के लिए। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय।